ए, नाम क्या है रे तेरा? मुमताज। किसी यार के साथ भाग के आई है क्या? या गांव से मुंह काला करके आई है? ए, कुत्ती, चुप कर तू। सबको अपने जैसा समझ के रखा है क्या? हर शाम 7 बजे लाइट्स की झिलमिल में जिंदगी शुरू होती और सुबह 2-3 बजे तक मैं थिरकती रहती। वापस गांव जाएगी या शादी करेगी मेरे साथ? मुझे खुशी थी कि अब दोबारा मुझे कभी भी इस बियर बार में नाचने के लिए नहीं आना पड़ेगा। मेरे नसीब में इतनी खुशियां लिखी थी, मैंने सोचा भी नहीं था। पोतिया बाप बन गया था, हमने बच्चे का नाम अभय रखा। बियर बार में नाचती है ना तू मुमताज, हैं? अब गया तेरा मर्द, बहुत घोड़ा दबा लिया उसने, अब देखना पुलिस उसको दबाएगी, देखना तू। साहब वायरलेस में मैसेज आया, पोतिया थेली गली में पकड़ा गया। ये ले, पहन ले, विधवा बनने की तैयारी करना, आप समझी? हैं? मेरी मजबूरियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस बियर बार को मैं छोड़कर चली गई थी, वही मेरा सहारा बन गया। अपनी तमन्नाओं को बियर बार में कैद करके मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करने में जुट गई। बियर बार के शोर शराबे के बावजूद मेरी जिंदगी में एक खालीपन था। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी हर खुशी का ख्याल करना, बस यही मेरी जिंदगी बन गई थी और मेरा ख्वाब भी। 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभय और पायल अब बड़े हो चुके थे। पायल को मेरे पास भेज, मैं मीरा रोड में मेरा नया बार खोलता ना। अरे तेरी बेटी के नाम पे मैं अपने उस बार का नाम रखेगा, पायल बार, तेरे से ज्यादा कमाएगी। नहीं अन्ना, पायल के बारे में ऐसी कोई बात मत करो। अपनी बेटी को मैं इस लाइन में कभी नहीं लाऊंगी। मेरा बेटा है साहब। ए, बाहर खड़ी रहे। साहब, वो मेरा बेटा है साहब। आप लोग लगता है गलती से उठा के लाए साहब उसको। गलती हमसे नहीं हुई है, तेरे बेटे से हुई है। साला फोन पर पैसा वसूली की धमकी देता है। नहीं, वो ऐसा नहीं है साहब, वो तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है साहब। पढ़ाई? अरे काय की पढ़ाई, बाप साला झंडू भाईगिरी करता था और तू सनी बियर बार में काम करने वाली, और तेरा बेटा पढ़ेगा? जेल गया था इनकी वजह से तू। Come on.